वैसे आप सभी लोग इस बुक्स को, इस किताब को सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण कह सकते हैं। करंट अफेयर्स का आप समझ रहे हैं, आप सभी को इसका इंतजार रहता है। और माफी चाहता हूं कि हम लोग इस समय बाहर थे, शहर से बाहर थे, तो इस बुक्स को नहीं खरीद पाए थे, तो इसलिए अभी मिली, हमारे पास मिली, और हम लोगों अब कवर करवा देंगे बहुत जल्दी आपको, टाइम आपके पेपरों से पहले इस बुक्स को बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे एक तरह से। तो याद रखिए, आपकी यूपीपीसीएस हो गया, यूपीपीसीएस के लिए तो एक कहिए एक तरह से जितनी महत्वपूर्ण कह सकते हैं उतनी महत्वपूर्ण बुक्स है। फिर चाहे यूपीएससी हो गया आपका, फिर चाहे एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, या फिर और भी आपके वनडे एग्जाम होते रहते हैं, उनके लिए भी ये बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आप लोग जाइए और ये दृष्टि पब्लिशन पर जो भी इसका वो है उस पर आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, आपके घर तक कोरियर भी हो जाता है, ये सुविधा भी अच्छी दी हुई है इन्होंने। अगर खरीद लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक 2020, ठीक है, इसमें आपका 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक का सब घटना चक्र जो भी है उसे लिया गया है। पिछली बुक से भी आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कवर की थी आपकी, समझ रहे हैं, तो उसमें आपने देखा था कि आपका अक्टूबर नवंबर तक था, क्योंकि आपने थे देखा था यूपीपीसीएस दिसंबर में था पिछली बार, समझ रहे हैं। इस बार आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में पेपर है हमारा पीसीएस का, तो इसका 1 सितंबर मतलब आप समझ लीजिए कि 1 साल का लगभग पूछा जाता है, तो 1 सितंबर से 31 अगस्त 2020 तक का। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बना देता हूँ, उसी में सभी क्लासें डाल दूंगा। ठीक है, और याद रखिए बहुत जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं इसको, बिल्कुल भी आपका टाइम बेकार नहीं जाएगा, परीक्षाओं के पहले ही आपकी खत्म करवा देंगे। चलिए, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है 2020 में, तो इसे देख लेते हैं, एक तरह से आपकी विषय वस्तु देख लेते हैं कि इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य की। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि एक ही क्लास में आपका पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर दिया जाए। इसमें आप देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को भी कवर करेंगे, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी भी देखेंगे, अटल रैंकिंग भी देखेंगे हम लोग 2020। ठीक है, अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी देखेंगे, भारत का सबसे लंबा जो नदी रोपवे बनाया गया है इसे भी देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह देखेंगे, देवलाली दानापुर देखेंगे, किसान रेल इसे भी देखेंगे, भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली देखेंगे, श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हुआ है, आपने देखा एक बहुत बड़ा मुद्दा का समाधान हो चुका है, तो इसके बारे में भी जानेंगे, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देख लेंगे, भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की बात की गई है उसे भी देख लेंगे, मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना देख लेंगे, सुपोषित माँ अभियान देख लेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी देखेंगे, गरीब कल्याण रोजगार अभियान देखेंगे, NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 भी देख लेंगे, द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 देख लेंगे, फिर बात करेंगे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20, फिर बात करेंगे हम लोग द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, फिर आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देखेंगे, आयुष्मान भारत PMJAY देखेंगे, फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसे भी देख लेंगे, PMKSY के तहत 32 परियोजनाओं को जो मंजूरी मिली है उसे भी देख लेंगे, वातावरण में नया प्रमुख बंदरगाह जो बन रहा है उसे भी देखेंगे, ऐतिहासिक बोडो समझौता भी देखेंगे हम लोग, आंध्र प्रदेश तीन राजधानियां, आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी तीन राजधानियां बनाई जा रही है उसे भी देखेंगे, रायसीना संवाद 2020 भी देख लेंगे, 14वीं एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 से ऐसा 2019 को देख लेंगे, अलीयस पर कोलकाता पतन न्यास के पुनर्निर्माण की बात, पुनर्नामकरण को भी देख लेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण इसे भी देख लेंगे, झारखंड विधानसभा चुनाव इसे भी देख लेंगे, सुशासन सूचकांक 2019 इसे भी देख लेंगे, रेलवे सुरक्षा बल में प्रशासनिक सुधार इसे भी देख लेंगे। याद रखिए, अगर 2019 का भी आपको करंट पढ़ना तो उसके लिए हम लोगों ने विस्तार से बात कर ली थी, 2019 की देख चुके थे पूरी लगभग,
ये आपके 2020 का जो भी पेपर है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। या तो एक 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 टॉपिक को हम लोग पूरा आपका एक ही क्लास में शामिल करने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं कि एक कुछ टॉपिक आपके कुछ पार्ट एक फिर पार्ट एक करके लाते रहेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कि आपका ये पूरा एक तरह से आप सोचिए कि इसका पूरा मिला के पूरा एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ घटनाएं एक क्लास में देखेंगे, उसके बाद दूसरी में, और लास्ट में आपका क्या करेंगे कि पूरी क्लासों को जोड़कर राष्ट्रीय परिदृश्य एक जगह उपलब्ध कराएंगे, विधिक परिदृश्य एक जगह उपलब्ध कर, इसी में आपका समसामयिक की घटना चक्र वार्षिक अंक 2020 में ही। ठीक है, ये दृष्टि। फिर आपके विधिक परिदृश्य में क्या क्या देखना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, फिर बात करेंगे बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020, अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020, किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल आश्वासन पर समझौता और कृषि सेवाएं अध्यादेश 2020 तथा कृषि उपज एवं विपणन संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020, खनिज विधि संशोधन अधिनियम 2020, इंटरनेट के जरिए मौलिक अधिकारों की आवाज अभ्यास का अधिकार भी देखेंगे, सुखना झील को कानूनी इकाई का दर्जा मिला है इसे भी देखेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों की संपत्ति के अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2019 देखेंगे। ये आपका विधिक परिदृश्य है। फिर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे, इसमें भारत के साथ अन्य देशों तथा विभिन्न देशों के परस्पर संबंध देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण 2019-20 के दौरान घटित सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का कवरेज भी करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आर्थिक राजनीतिक और बहुउद्देशीय सम्मेलनों पर समग्र प्रस्तुतिकरण है उसे भी देखेंगे, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय चुनाव एवं सत्ता परिवर्तन देखेंगे, चुनाव एवं सत्ता परिवर्तन की संक्षिप्त प्रस्तुति, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं 2019-20 की वैश्विक आपदाएं इन्हें भी देखेंगे। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया। याद रखिए इस बुक्स को आप लोग एक तरह से जितना पढ़ सकते हैं रट सकते हैं रट लीजिए, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस के लिए तो मुझे लगता है एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण बुक्स है, जितना आप समझ सकते हैं। वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है आपकी, आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स कहीं भी नहीं छूटा हुआ है, हर जगह आपको करंट पढ़ना ही पड़ता है। आर्थिक परिदृश्य, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय आय, मुद्रा, बैंकिंग, कृषि, उद्योग, विदेशी क्षेत्र, विश्व अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण मुद्दे समाहित रहेंगे। इसमें आप देखते हैं इससे क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं, केंद्रीय बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, ठीक है, इनसे तो इन्हें भी जानेंगे। याद रखिए जो आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, ठीक है, उसमें जाकर देख सकते हैं। वैज्ञानिक परिदृश्य की बात करें तो नव अन्वेषित आकाशीय पिंड देखेंगे, सौर मंडलीय अन्वेषण, अंतरिक्षयान उपग्रह, खगोलीय दृश्य, तकनीकी आविष्कार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, नैदानिक अनुसंधान, क्लोन एवं जीनोम मानचित्रण, अद्यतन पर्यावरण विज्ञान, पर आप उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष, याद रखिए आपका अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप किसी उत्तर प्रदेश के एग्जाम यानी कि यूपी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 देख लेंगे, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 भी देख लेंगे, ऑनलाइन और रोजगार संगम कार्यक्रम भी देखेंगे, इन्वेस्ट यूपी भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी देखेंगे, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भी देखेंगे। संक्षिप्तियों की बात करें तो चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार सम्मान, ऑपरेशन अभियान, सम्मेलन समारोह, योजना परियोजना, संधि समझौते, संघ संगठन, आयोग समिति, चर्चित वर्ष दिवस, चर्चित पुस्तकें एवं अन्य विधिक अद्यतन महत्व की घटनाओं का संक्षिप्त वार्षिक संकलन भी करेंगे। और एक बात और याद रखिए, खेल परिदृश्य भी देखेंगे, लॉन टेनिस, 13वें दक्षिण एशियाई खेल देखेंगे, विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस देखेंगे, 2019 जो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, बिलियर्ड्स, स्नूकर एवं अन्य खेल घटनाओं का वार्षिक संकलन भी देखेंगे। आप लोग 2019 का भी करंट पढ़ लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से 2020 में कुछ खास खेल नहीं हो पाए हैं, तो मुझे लगता है कि 2019 का पूछा जा सकता है,
तो आप लोग पूरा ये सेपरेट आपने देखा था कि हम लोगों ने इस बुक्स को पिछली बार भी कवर की थी, ठीक है। और एक तरह से मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों के लिए ही इस बुक्स को मैं खरीदता हूँ, समझ रहे। मेरा कोई उद्देश्य मतलब और दूसरा नहीं है। आप लोग कहते हैं कि मिलती नहीं है कई जगह आप लोग, तो मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप लोगों तक ये बुक्स कोई जहां भी निकल रही है, मुझे अच्छी लगी थी और मैंने देखा है कई बार इससे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपके पास सुविधा है तो मैं तो कहता हूँ कि खरीद लीजिए और दूसरे के पढ़ाने के भरोसे मत करिए। आप लोग बहुत जल्दी से कवर कर लीजिए, मैं तो कहता हूँ 5 से 6 दिन में आप लोग कवर खत्म कर दीजिए इसे, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका पूरा एक तरह से सिलेबस कर लीजिए, पाठ्यक्रम कर लीजिए, विषय सूची। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले राष्ट्रीय परिदृश्य, और याद रखिए पूरा आपका प्लेलिस्ट सूची में क्रम से डले रहेंगे, पार्ट लिख देंगे मैं क्रम से, ठीक है। तो इसमें एक कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी इसको कवर किया जाए।